ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर हैं तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई द्वारा मुश्तरका मालिकाना जमीन मामले में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा के घर पर प्रदर्शन कर विधायक को ज्ञापन सौंपा और विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात की। विधायकों ने भी आश्वासन दिया कि उनकी इस मांग का उचित निवारण किया जाएगा। आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने पूरे हरियाणा में विधायकों को मांग पत्र सौंपने की बात की थी। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में थानेसर से विधायक सुभाष सुधा को मांग पत्र सौंपा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता करमचंद मथाना ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। सरकार ने 3 कृषि बिलों को तो वापस ले लिया, लेकिन यह अब किसानों को परेशान करने का दूसरा रास्ता बनाया है। इसी कड़ी में आज हमने विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती तो कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने 25 तारीख से विधायकों के घर पर पंचायत शुरू करने के बारे में बताया कि इसका फैसला 18 तारीख को पेहवा में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। आज हमारा मुद्दा ये था जी, पहले से ही ज्ञापन पहले डीसी साहब को दिए थे। मुश्तरका मालकान जमीन है जो, और कई किस्म की जमीन है, 8 प्रकार की। इसको आज सरकार उसको पंचायत को देने के जारी है, दोबारा भी इसको पंचायत में दे दिया जाए और फिर इसको कंपनियों को देने की सरकार की मंशा है। तो इस तरीके से वो जो पहले 3 कानून वापस लिए थे, वो दूसरे तरीके से ज़मीन को अब ये खोसना चाह रहे हैं। तो हमारी गुंजाइश ये, सिफारिश ये है, ये हमारी अपील है सरकार से कि भी मालिकों की ज़मीन थी और इन्हीं के खाते से कटी हुई थी, अब इसको मालिकों के पास ही रहने दें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, विधानसभा में पास करके इसको दोबारा से कानून बनाया जाए, ये ज़मीन दोबारा मालिकों के पास चली जाए। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया। 25 तारीख की जो पंचायत थी, उसके लिए हमने 18 तारीख की एक मीटिंग है हमारी, उसमें फाइनल डिसीजन किया जाएगा। जो 18 को रखी है पेवा के अंदर, बावड़ी गुरुद्वारा के अंदर, तो वहाँ हमारा फाइनल फैसला होगा, हमने 25 को क्या करना।